नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर से हैं या SOL से हैं या NCVEP से हैं, कोर्स चाहे आपका कोई सा भी हो, BA संबंधित या BCOM संबंधित या BSc संबंधित जो भी है, आप वो सारी डेटशीट कहाँ से ले सकते हैं, डेटशीट आपकी आई है या नहीं आई है, कौन सी है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक ये सिंपल सी वेबसाइट है, इस पर आपको जाना पड़ेगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन विंग की वेबसाइट है, जिसे आप exam.du.ac.in, ये आप इसके अंदर आराम से ये टाइप करके जा सकते हैं। देखिए, ये होम पेज होता है, आप टाइप करेंगे exam.du.ac.in, तो यहाँ पर फिर जब हम डेटशीट में जाते हैं तो इस डेटशीट में हमें ये आपको इस तरह से तीन लिंक मिलते हैं। अभी तक क्या था, ये जो फाइनल डेटशीट लिखा आ रहा है इसकी जगह पर टेंटेटिव डेटशीट आता था, और ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये कन्वर्ट हुआ है। तो अब अगर मैं अंडर ग्रेजुएट जो बैचलर डिग्रीज हैं उनकी डेटशीट देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम मई जून के अंदर होने वाले हैं। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे सामने फिर ये अगला पेज आता है, डेट शीट्स ऑफ एनुअल सेमेस्टर स्कीम एग्ज़ाम 2020 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो जो बच्चे SOL से ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं तो उनकी डेट शीट यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हैं और तो 1, 2, 3 तीनों साल की, और जो एनुअल मोड में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी डेट शीट ये है। हम क्लिक करके देख लेते हैं, तो देखिए ये जो डेट शीट है इस पर लिखा है BA ऑनर्स पार्ट 1, 2, 3, और ये आपके 12 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए, ये अप्रैल से कोई आपके एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। पहले यहाँ पर टेंटेटिव लिखा होता था, फिर यहाँ पे नॉन फॉर्मल लिखा होता था, और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी फाइनल डेट शीट है। आइए दूसरे कोर्स का चेक करते हैं। इसी तरह से ये है BCOM पार्ट 1, 2, 3 और एनुअल मोड, जो पुराने एनुअल मोड में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखिए इनकी डेट शीट क्या कहती है। अब इनकी जो डेट शीट है वो थोड़ी डिफरेंट है। देखिए, यहाँ लिखा है नॉन फॉर्मल स्ट्रीम, और फिर ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं आपके 4 अप्रैल से। दोस्तों, 31 मार्च तक तो सब कुछ ही कैंसिल कर दिया है, आप जानते हैं, क्लासेस वगैरह, पब्लिक गैदरिंग कोरोना की वजह से। तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर नॉन फॉर्मल स्ट्रीम भी लिखा हुआ है, कि ये जो डेट शीट है वो आपकी 4 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और अभी UGC का भी एक लेटर आ गया है आज ही 19 मार्च को, कि अब दोबारा ये डेट शीट्स बनेंगी, 31 मार्च के बाद ये डेट शीट्स दोबारा से बनेंगी। अभी कोई गारंटी नहीं है कि ये 4 अप्रैल से ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। जो अगर मेरा पर्सनल व्यू आप जानना चाहें तो 4 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते, क्योंकि कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो हकीकत है आप भी जानते हैं कि अभी तक कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और पब्लिक गैदरिंग किसी भी तरह की पॉसिबल नहीं है। स्कूलों की तो पहले ही छुट्टियाँ हो चुकी हैं, फिर अब बोर्ड के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुके हैं। UGC के लेटर में भी यही मेंशन किया गया है कि 31 मार्च के बाद दोबारा फिर से रीशेड्यूल करेंगे, दोबारा डेट शीट बनाएंगे कि कौन से एग्जामिनेशन कब कैसे होने हैं। तो ये जो अप्रैल की डेट शीट है, अप्रैल की डेट शीट बता रही है, तो मुझे नहीं लगता ये आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आप खुद भी देख सकते हैं कि जल्दी ही ये डेट शीट यहाँ से हट भी जाएगी या फिर ये चेंज भी हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए काम के आने वाली है। इसके अलावा अगर हम वापस और दूसरी कोई देखें, BCOM ऑनर्स पार्ट 1, 2, 3 न्यू कोर्स एनुअल वाले हैं ये, तो देखिए इनके एग्ज़ाम जो है वो मई से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये आपकी फाइनल डेट शीट है जो आपके लिए एप्लीकेबल होगी, क्योंकि अप्रैल के दौरान तो कोरोना वायरस से कुछ ना कुछ मुक्ति मिल ही जाएगी, कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा। इसी तरह से देखिए, आपके BCOM प्रोग्राम की है CBCS वाली Semester 2 की, जिसके एग्ज़ाम जून के अंदर होने हैं। अब ये BA वाले BA प्रोग्राम की डेट शीट है,
तो इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। देखिए इस पर भी लिखा है नॉन फॉर्मल, ठीक है ना। और तो अगर इस पर भी नॉन फॉर्मल लिखा है तो मुझे नहीं लगता कि ये, अगर ये एग्ज़ाम अप्रैल के अंदर होने वाले होंगे तो किसी कारणवश ये अप्रैल में नहीं हो सकते। इसी तरह से अगर हम देखें और दूसरी कोई डेट शीट, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी है, मैं सबके तो आपको डेट शीट नहीं दिखा सकता हूँ। तो जैसे देखिए बीकॉम सीबीसीएस सेमेस्टर वन के एग्ज़ाम क्या मई के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं, देखिए ये आपके सामने आ जाता है नॉट फाउंड, मतलब ये डेट शीट इन्होंने हटा दी है, तो ये कुछ नया बना रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम बीकॉम ऑनर सीबीसीएस पार्ट वन सेमेस्टर की अगर हम डेट शीट देखें, देखिए फिर से आ गया नॉट फाउंड, मतलब ये इन्होंने फाइल यहाँ से हटा दी है। तो ये सब वही वहम है, ये सब यूट्यूबर्स भी बना रहे थे कि 4 अप्रैल से पेपर होने वाले हैं। तो आप बताइए कौन से 4 अप्रैल से आपके एग्जाम क्या होने की कोई संभावना है। तो दोस्तों कुल मिला के बात इतनी है कि मुझे नहीं लगता कि 4 अप्रैल से आपके एग्जाम होने वाले हैं। अगर कोई डेट शीट आपकी मई की है तो आप उसको मान लीजिए कि वो आपकी फाइनल डेट शीट है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। और अगर हम जनरल सिनेरियो में देखें तब भी एग्जाम जो है वो मई जून के अंदर ही होते हैं, तो आप अपना मई जून के हिसाब से तैयारी करके चलिए और रेगुलर इसको वॉच करते रहिए। अगर कोई डेट शीट आती है तो मैं आपको उसके लिए आपको पहले से ही बता दूंगा, और आपको भी मैंने लिंक दिखा दिया है, आप खुद भी रेगुलर यहाँ से आप ये डेट शीट चेक कर सकते हैं। तो आप डेट शीट पर बार बार चेक करके वीडियोस देखिए, अपना टाइम खराब मत कीजिए, आप ना अपनी पढ़ाई पर डिफोकस कीजिए। और ये मान लीजिए कि अब 1-1.5 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम है ही हैं, तो आप बस फटाफट से अपनी तैयारी पूरी कीजिए, और एग्ज़ाम तो आपके होने ही हैं, अप्रैल में नहीं होंगे तो मई में हो जाएंगे। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए एडुट्रिक्स के साथ। मैं यहाँ पर बहुत सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस तो बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखिए, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप एडुट्रिक्स के साथ जुड़िए, यहाँ से आप बहुत ज़्यादा सहायता ले सकते हैं अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स से रिलेटेड, खासकर जो बीकॉम के सब्जेक्ट्स हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से बहुत सारी वीडियोस के लिंक देख सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा इस चैनल से फ़ायदा होने वाला है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।